जी गुड मॉर्निंग। तो चलिए करंट अफेयर्स की अपने शुरुआत करते हैं। और आज के करंट अफेयर्स जो हम देखने वाले हैं, और आपको बता दें कि नया शेड्यूल जो करंट अफेयर्स का है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपका आजाद यूके पीएससी एकेडमी पर भी पड़ता है, तो उत्तराखंड पे रिकॉर्डेड जाता है। आपके साथ हम लाइव रहते हैं क्योंकि आपके साथ पुराने संबंध हैं, तो इस वजह से आपके चैनल पर लाइव रहते हैं, जिससे आपको समस्या ना हो और आपकी कोई समस्या हो तो उसका निश्चित रूप से समाधान किया जाए। और उत्तराखंड में लाइव से संबंधित समस्या इसलिए होती है क्योंकि एक कक्षा आपकी पहले से लाइव रहती है, जिसके चलते वहां पे आपको रिकॉर्डेड रूप में वीडियो देखने को मिलता है। तो उससे नहीं मतलब है लाइव है या रिकॉर्डेड है, हमें कंटेंट से मतलब होना चाहिए, कंटेंट पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो चलिए 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच की करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं। 21 से लेकर 31 जुलाई, मतलब यदि हम देखें तो हमारा जुलाई माह आज समाप्त हो रहा है आज के करंट अफेयर्स में। यदि कहीं पे कुछ फैक्ट बचा होगा तो निश्चित रूप से वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। चलिए सरोज आलम, अमन जी बहुत बहुत आपको भी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग उमंग जी, गुड मॉर्निंग। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, जो आपके डाउट होंगे आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हमारी चर्चा कंटिन्यू रहेगी, इस पे हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और जो लोग मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, पढ़ाने का तरीका आपको पता है। जो लोग उत्तराखंड से देख रहे हैं, थोड़े दिनों में आप अभ्यस्त हो जाएंगे हमारे साथ पढ़ने को, तो निश्चित रूप से चीजें आपको बेहतर लगेंगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात यहाँ पे हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके पूरे एक वर्ष पूरे हो गए हैं। पहली वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है, पहली वर्षगांठ मनाई गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, और अब ये पूरे देश में लागू हो गया है। और जो पहली वर्षगांठ मनाई गई है उसमें कुछ घोषणाएं की हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कुछ घोषणाएं किया है, उन घोषणाओं के बारे में देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के पहली वर्षगांठ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो सीबीएसई के छात्र हैं इनके लिए एक योग्यता आधारित प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। मतलब जो सीबीएसई के छात्र हैं इनके लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन प्लेटफॉर्म जारी किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका क्या नाम है, इसका नाम है सफल, SAFAL, सफल नामक प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जारी किया है। किसके लिए जारी किया है, सीबीएसई के छात्रों के लिए किया है। अब ये जो सफल है इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, सफल की फुल फॉर्म क्या है आप नोट कर सकते हैं, इसका नाम है स्टूक वर्ल्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग लेवल। मतलब एक प्रकार से ये मूल्यांकन के लिए प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको बताया, फुल फॉर्म एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, स्टूक वर्ल्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग लेवल। और ये जो प्लेटफॉर्म है विशेष रूप से कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। जैसे अभी तक हम किसी भी छात्र का मूल्यांकन कब करते थे, कक्षा 10 में करते थे और 12 में करते थे, जो हमारा बोर्ड होता था आधिकारिक रूप से वहीं पर किसी छात्र का मूल्यांकन होता था। लेकिन क्योंकि अब आप जान रहे हैं नई शिक्षा नीति में आपका हाई स्कूल का बोर्ड समाप्त कर दिया गया है, तो इसके चलते क्या है कि 3, 5 और 8 में आपका असेसमेंट किया जाएगा, आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखें तो सबसे पहले सीबीएसई के बारे में, सीबीएसई से संबंधित जानकारी हम कर रहे हैं, तो सीबीएसई के चेयरमैन कौन है ये हमें पता होना चाहिए, मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन है, ये आपको पता होना चाहिए। और सीबीएसई इन दिनों चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि आप जानते होंगे कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया था, एक कार्यक्रम शुरू किया था प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शुरू किया गया था, जिसमें बोला गया था कि जो सीबीएसई के छात्र हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक प्रकार से देखें तो ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, AI फॉर ऑल नामक एक मुहिम चलाई गई थी और इसमें सीबीएसई का साथ दिया था इंटेल ने। इंटेल चिप बनाने वाली एक कंपनी है। तो आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाए कि AI फॉर ऑल जो सीबीएसई का कार्यक्रम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, इसमें कौन सी दो संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं, तो सीबीएसई के साथ इसमें मिलकर काम कर रहा है इंटेल, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ पहली वर्षगांठ में पहला तो सफल का
बात किया प्रधानमंत्री ने, दूसरा क्या बताया, दूसरा इन्होंने शुरू किया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की भी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री ने किया है। अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत कोई भी जो छात्र है वो कभी भी किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है और कभी भी बाहर हो सकता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम 4 वर्षों का आपका होता है और इसमें आप 2 वर्ष तक किसी 2 वर्ष तक आपने अनवरत शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन किसी कारणवश आपको 2 वर्ष के बाद छोड़ना यदि पड़ रहा है, मान लीजिए 2 वर्ष के बाद आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम से बाहर हो गए और पुनः 4 वर्ष बाद आपकी स्थिति ठीक हुई और आपने सोचा इंजीनियरिंग करना है, तो जब आप पुनः इंजीनियरिंग में प्रवेश लोगे तो ये जो 2 वर्ष तक का अभी ने यहाँ पे कार्य किया है, 2 वर्ष जो आपने परिणाम दिया है वो आपका ऐड किया जाएगा और आपका प्रवेश 3रे वर्ष में होगा। तो इसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मान लीजिए 2 वर्ष का कोई कोर्स है, आपने 1 वर्ष करके छोड़ दिया, पुनः जब आप जाएंगे कभी भी प्रवेश लेने 2, 4, 6 सालों में, तो जो 1 वर्ष आपने कार्य किया है, 1 वर्ष जो आप पास आउट हुए हैं, ये आपका क्रेडिट के तौर पे जोड़ा जाएगा और आपको सीधे 2रे वर्ष में प्रवेश मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसकी भी शुरुआत, इसकी भी घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में किया है। कब किया है, जब नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ मनाई गई है तब इनके द्वारा किया गया है। और आपको बता दें अभी तक इंजीनियरिंग जो है वो अंग्रेजी भाषा में होता था, आपको पता था जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित जो भी कोर्स हैं इंग्लिश में होते थे। अब यहां पर भी बोल दिया गया है कि जो तकनीकी भाषा के कोर्स होंगे, जो भी कोर्स होंगे इस प्रकार के, उनको क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद कराया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा मतलब अब आने वाले समय में यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम में भी आप इंजीनियरिंग कर पाएंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप कर पाएंगे। और इसके लिए यदि हम देखें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है जिन्होंने 11 भाषाओं में इस प्रकार के कोर्सों का अनुवाद कराने का निर्णय लिया है। मतलब अब आप क्षेत्रीय भाषा में इंजीनियरिंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने एक नई योजना, आप कह सकते हैं शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसका नाम है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश किनके लिए है, विद्या प्रवेश उन बच्चों के लिए है जो पहली बार स्कूल जाते हैं। ऐसे बच्चे जो पहली बार स्कूल जाते हैं, इसके लिए विद्या प्रवेश नामक कार्यक्रम शुरू किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये कार्यक्रम है और ये इसमें 3 माह तक, प्रथम 3 माह तक जैसे आपका प्ले ग्रुप होता है उस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं वर्तमान समय में, आप जानते होंगे कि मंत्रालय में बड़ा फेरबदल हुआ है, तो शिक्षा मंत्री हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान ही हमारे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी हैं। पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे लेकिन वर्तमान समय में ये शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए आपको इनका नाम भी याद रखना है। निष्ठा 2.0 कार्यक्रम भी सीबीएसई चला रहा है। निष्ठा 2.0 क्या है, इसमें जो सीबीएसई के अध्यापक हैं, मतलब अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम है निष्ठा 2.0, ये भी चल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया नई शिक्षा नीति के बारे में कि हमने देखा सफल कार्यक्रम, हमने देखा एकेडमिक क्रेडिट कार्यक्रम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, 2 कार्यक्रम हमने महत्वपूर्ण रूप से देखे, निष्ठा हमने देखा 2.0। अब आगे बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक 2 प्रारंभ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखेंगे, आप जानते हैं यूनेस्को से संबंधित चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है, यूनेस्को से संबंधित चर्चा हम करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको तुरंत यूनेस्को का फुल फॉर्म याद आना चाहिए, आपको तुरंत यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है वो याद आना चाहिए, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यूनेस्को की प्रमुख कौन है, ये भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ विश्व धरोहर स्थल हाल ही में घोषित किए गए हैं, उनके नाम मैं लिख रहा हूं और इसको आपको नोट करना है कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले आता है पासेओ डेल प्राडो, पासेओ डेल प्राडो बुलेवार्ड, यह स्थान का नाम है पासेओ डेल प्राडो बुलेवार्ड, और रेटिरो पार्क, ये 2 स्थल हैं
जिनको अभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो ये दोनों जो स्थल आपको देखने को मिलते हैं कहां पर हैं, अभी मैं बताऊंगा कहां पर हैं। एक तीसरा भी बताया गया है, वो तीसरा भी नोट कर लीजिएगा, सीटीओ वर्लमार्क। ये तीन नए स्थल अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत जोड़े गए हैं, पासेओ डेल प्राडो बुलेवार्ड, रेटिरो पार्क और सिटियो बलमार्क्स। तीन स्थल हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत जोड़े गए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें से आपको बता दें कि जो सिटियो बलमार्क्स है ये आपको देखने को मिलेगा ब्राजील में। कहां पे देखने को मिलेगा? ब्राजील में देखने को मिलेगा। बाकी के दोनों कहां पे देखने को मिलेंगे? तो एक देश है स्पेन, ये दोनों स्पेन से संबंधित हैं। तो जानकारी क्या है कि इनका नाम पता होना चाहिए, कभी यदि परीक्षा में नाम देकर पूछ लिया जाए कि किस देश से संबंधित हैं तो हम आसानी से जवाब दे सकें, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अब हमने देखा कि एक ब्राजील से संबंधित है, तो ब्राजील और भारत के संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं, तो ब्राजील के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब आपको यहां से लिंक करते हुए आगे बढ़ना है और इस तरीके को आपको भी सीखना है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, ठीक है। यहां के जो प्रमुख हैं वो भारत की यात्रा पर भी आए थे, उनका नाम है जैर बोल सोनारो, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एक सैटेलाइट छोड़ा था जिसका नाम था अमेजोनिया वन। और अमेजोनिया वन जो सैटेलाइट हमने छोड़ा था, ये भी सैटेलाइट किसका था? ब्राजील का था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम आप ये बात कर लें कि हमने दो साइट देखे स्पेन से संबंधित, पासेओ डेल प्राडो बुलेवार्ड और रेटिरो पार्क, ये दोनों साइट कहाँ की हैं? ये दोनों साइट हैं यूनेस्को की साइट हैं, स्पेन से संबंधित है। अब स्पेन में यदि इन दोनों को जगह मिली है, इन दोनों साइटों को स्पेन से यूनेस्को ने कवर किया है, तो निश्चित रूप से यूनेस्को के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब वीडियो समाप्त होगी तो आपका होमवर्क है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को की प्रमुख कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जैसे ही हमने बात किया स्पेन को, आपको याद आना चाहिए क्या? जिबाल्टर जल संधि। क्यों याद आना चाहिए जिबाल्टर जल संधि? इसलिए याद आना चाहिए क्योंकि स्पेन को अलग करती है जिबाल्टर जल संधि अफ्रीका से, मतलब यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है जिबाल्टर जल संधि। और जिबाल्टर के बारे में क्या पता होना चाहिए? यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि किन दो देशों को अलग करती है, तो जिबाल्टर जो अलग करती है वो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। किससे? स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। जिबाल्टर आपको याद आना चाहिए। और जैसे ही जिबाल्टर याद आता है, इसी के साथ साथ कुछ चीजें आपको और याद आनी चाहिए। जैसे कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो क्या भारत में भी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी हाल ही में जोड़ी गई है? दो जोड़ी गई हैं। एक जोड़ी गई है रामप्पा मंदिर और दूसरी जो जोड़ी गई है वो आप जानते हैं धौलावीरा और रामप्पा मंदिर अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क में जोड़े गए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किए गए हैं यूनेस्को द्वारा, रामप्पा मंदिर धौलावीरा। अब आपका यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि आप बताएंगे कि रामप्पा मंदिर कहाँ पे है और धौलावीरा कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक जगह है जिसका नाम है हायर बंगाल मैथलिक साइट, इसका भी नाम आप देख लीजिएगा हायर बंगाल मेगालिथिक साइट। ये क्या है हायर बंगाल मेगालिथिक साइट? क्या है ये भी आपको याद आना चाहिए कि हायर बंगाल मेगालिथिक जो साइट है इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संभावित सूची होती है, उसमें जगह दी गई है। तो ये भारत की है, सबसे पहली बात ये भारत की है।
तो भारत की तीन साइट आपको याद रखना है लेटेस्ट, पहला रामप्पा मंदिर और धौलावीरा जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दे दिया है, दूसरा हायर बंगाल मेगालिथिक साइट, इसको संभावित सूची में जगह मिली है, हो सकता है आने वाले समय में इसको भी विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिल जाए। अब हायर बंगाल मेगालिथिक साइट है कहां पे, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आपको बता दें कि हायर बंगाल मेगालिथिक साइट जो है ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है, ऐसा ना देखिएगा कि बंगाल देखा तो पश्चिम बंगाल टिक कर दिया, ये आपके कर्नाटक से संबंधित साइट है। तो अभी जो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार से पांच आपकी साइट दी हुई हैं, पहला दिया हुआ है पासेओ डेल प्राडो बुलवर्ड और रेटिरो पार्क, ये दोनों स्पेन की साइट है जिनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा यूनेस्को ने दिया है, दूसरा सिटियो बल मार्क्स ये ब्राजील की साइट है और इसको भी विश्व विरासत स्थल की जो सूची है यूनेस्को की उसमें शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। इसके बाद हमने देखा कि पिछले दिनों रामप्पा मंदिर है और धौलावीरा है, इन दोनों को भी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया यूनेस्को द्वारा, और हायर बंगाल मेगालिथिक साइट है कर्नाटक में जो संभावित सूची में शामिल की गई है, आने वाले समय में हो सकता है कि इसको भी यूनेस्को के अंतर्गत दर्जा मिल जाए। तो इतनी जानकारी आपने यहाँ पे देखा है। अब अभी आपने देखा मोरक्को, यहाँ पे एक देश आपने देखा मोरक्को, अब यहाँ से हम कुछ चीजें लिंक करते हैं और यही लिंकिंग का प्रोसेस आपको भी सीखना है। कैसे सीखना है, हमने देखा कि अफ्रीका का देश है मोरक्को और हम मोरक्को पे कैसे पहुंचे, मोरक्को पे हम स्पेन के माध्यम से पहुंचे जब स्पेन से संबंधित दो साइटों को हमने देखा। अब मोरक्को के बारे में हम क्या जानना चाहिए, मोरक्को अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अभी हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या याद आना चाहिए, एक व्यक्ति है अफ्रीका से संबंधित, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित, जिनका नाम है जैकब जुमा, जैकब जुमा, ये नाम आपको याद आना चाहिए। क्यों याद आना चाहिए जैकब जुमा, इसलिए याद आना चाहिए कि ये अफ्रीका के व्यक्ति हैं और विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे ये दक्षिण अफ्रीका के, और वर्तमान समय में इनको कोर्ट की अवहेलना के कारण 15 वर्षों की सजा सुनाई गई है, 15 वर्षों की सजा सुनाई गई है, और इस सजा की घोषणा के बाद दक्षिण अफ्रीका में लगातार दंगे हो रहे हैं, लगातार लूटपाट हो रही है, तो इसलिए अफ्रीका अस्थिर हो गया है सजा सुनाने के बाद, तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आपको बता दें कि जो जैकब जुमा है इनकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम है। इसको हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी पार्टी के एक बहुत ही महान व्यक्ति हुआ करते थे जिनका जन्म दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, क्या नाम है उनका, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला भी इसी पार्टी के थे और एक बार ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, एक बार अफ्रीका के राष्ट्रपति होने का गौरव इन्हें भी प्राप्त है। अब जब बात हो रही है नेल्सन मंडेला की तो आपको बता दें इनकी एक आत्मकथा भी है, आत्मकथा का क्या नाम है, आत्मकथा का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी आत्मकथा का नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम स्पेन से आ गए मोरक्को पे, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अफ्रीका की पहली सैटेलाइट बनाई गई है जिसका नाम है मीरकाट, अफ्रीका की नहीं दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, मीरकाट नामक सैटेलाइट दक्षिण अफ्रीका ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम पिछला देख लेते हैं, क्या हमने देखा था, हमने यूनेस्को की साइट देखा था और वहां से हमने देखा स्पेन को, स्पेन से हम जिबाल्टर के माध्यम से पहुंचे मोरक्को और मोरक्को पहुंचने के बाद हमने दक्षिण अफ्रीका से संबंधित, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित जानकारी हमने देखा। अब दक्षिण अफ्रीका से संबंधित जानकारी हमारी पूरी हो गई है तो यहाँ पे हमने दूसरा अभी देखा था कि कर्नाटक की एक साइट है जिसको बोलते हैं हायर बंगाल मेगालिथिक साइट,
जिसको विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की जो संभावित सूची है उसमें जगह दी गई है। अब अगर उसमें जगह दी गई है, कर्नाटक से संबंधित है, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ जानकारी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम कर्नाटक से लिंक करके आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि कर्नाटक से संबंधित क्या चीजें हम देख सकते हैं। सबसे पहली बात, कर्नाटक के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है बसवराज बोम्बई। ये नए मुख्यमंत्री हैं, बीएस येदियुरप्पा का स्थान इन्होंने लिया है और यहाँ के राज्यपाल हैं थावल चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो बसवराज बोम्बई और थावल चंद गहलोत, ये दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक इंडेक्स आता है जिसको बोलते हैं इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो सबसे पहला राज्य था, टॉप राज्य था, वो आपका था कर्नाटक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आकांक्षा पोर्टल एक शुरू किया है अभी हाल ही में कर्नाटक ने, आकांक्षा पोर्टल, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी कर्नाटक के बारे में बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम देख रहे थे ब्राजील के बारे में, अभी तक हम स्पेन से कनेक्ट करके अफ्रीका तक गए, अब हम ब्राजील से कनेक्ट करके, जैसे हमने देखा सिटियो बर्ल मार्क्स ये स्थान है, ये ब्राजील में है, ठीक है। और ब्राजील के बारे में हमने देखा कि इसकी राजधानी है ब्राजीलिया और जेयर बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और अमेजोनिया वन सैटेलाइट हमने छोड़ा था। अब अमेजोनिया वन से कनेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं आइए देखते हैं। अमेजोनिया वन किसने छोड़ा था, अमेजोनिया की यदि हम बात करें तो किसने छोड़ा था अमेजोनिया को, अमेजोनिया को छोड़ा था इसरो ने, ठीक है, इसरो ने रिलीज किया था अमेजोनिया को। और अमेजोनिया जो सैटेलाइट छोड़ी गई थी उसके लिए जो हमने रॉकेट प्रयोग किया था वो है PSLV C51 रॉकेट के माध्यम से हमने अमेजोनिया को भेजा था, ठीक है। अब अगर हम इसरो की बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेजोनिया को इसरो ने छोड़ा था, तो इसरो से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। जैसे इसरो की यदि हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद आना चाहिए विक्रम अम्बला साराभाई ने इसकी स्थापना किया था। वर्तमान समय में के शिवन इसके प्रमुख हैं, इतनी बेसिक जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए, के शिवन यहाँ के प्रमुख हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कि एक सैटेलाइट है जिसका नाम है निसार सैटेलाइट। की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बताया गया है कि जो निसार सैटेलाइट है ये वर्ष 2023 में छोड़ी जाएगी जनवरी माह में, मतलब वर्ष 2023 के प्रारंभ में हम इसको रिलीज करेंगे। और जो निसार सैटेलाइट है इसमें सहयोग कौन कर रहा है, नासा, मतलब इसरो प्लस नासा दोनों का मिशन है, इसरो और नासा दोनों मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए निसार सैटेलाइट के बारे में, 2023 में ये छोड़ा जाएगा। अब इसरो प्लस नासा की बात आ रही है तो आपको बता दें कि नासा इस समय काफी चर्चा में है। नासा दो टेलीस्कोप बना रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में नासा ने बताया है कि जो बृहस्पत का चंद्रमा है उस पर क्या पाया गया है, जलवाष्प पाया गया है। किसने बताया, नासा ने बताया। कैसे बताया, एक टेलीस्कोप की मदद से बनाया, उसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। हबल टेलीस्कोप की मदद से नासा ने बताया कि जो बृहस्पत का चंद्रमा है उस पर जलवाष्प की उपस्थिति है, जलवाष्प पाया गया है। तो भाई बृहस्पत का कौन सा चंद्रमा था, क्या नाम था उसका, उसका नाम है गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड जो है ये बृहस्पत का चंद्रमा है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जो गैनीमेड है ये बृहस्पत का सबसे बड़ा चंद्रमा तो है ही, साथ ही साथ
सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड, बृहस्पति का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको बता दें कि हबल स्कोप टेलीस्कोप ने बताया, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जलवाष्प की पुष्टि की है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम जान लिए कि भाई बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड, तो सबसे छोटा कौन सा है वो भी पता होना चाहिए, वो है यूरोपा। और यूरोपा के लिए एक मिशन किया था नासा ने जिसका नाम था क्लिपर मिशन। यदि आप मेरे से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जानकारी होगी, क्लिपर मिशन नासा ने किया था यूरोपा के लिए, और यूरोपा बृहस्पति का सबसे छोटा चंद्रमा है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है यदि हम बात करें, तो सबसे ज्यादा चंद्रमा शनि के पास है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है, शनि के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा आपको देखने को मिलते हैं। अब टेलीस्कोप की बात हो रही है तो आपको बता दें दो नए टेलीस्कोप बना रहा है नासा, दो नए टेलीस्कोप बना रहा है। पहले का नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, और ये जो है 2025 तक तैयार होगा, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। दूसरा आपका है जेम्स वेब टेलीस्कोप, और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये 2021 में कार्यरत हो जाएगा। तो ये दोनों टेलीस्कोप आपको पता होना चाहिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसके द्वारा जलवाष्प की पुष्टि हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी हमने देखा था कि बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड पर जलवाष्प की पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें बृहस्पति के लिए पहले भी नासा मिशन कर चुका है जिसका नाम है जूनो मिशन। जूनो मिशन जो है ये बृहस्पति के लिए था, पूर्व में सफल हो चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि जूनो मिशन किससे संबंधित है, तो आपको बताना है बृहस्पति से संबंधित है और नासा का मिशन था, अब ये पूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ जो आगामी मिशन है नासा के, वो शुक्र के लिए है। एक बार मैंने बहुत पहले इसको बताया है, कौन कौन से है पहले बता देता हूं। पहला है द विंची प्लस, दूसरा आपका है बेरिटॉस। द विंची प्लस और बेरिटॉस ये दो मिशन है नासा के जो शुक्र के लिए हैं, आगामी समय में आप इसको देखोगे। ठीक है, और जब नासा की बात हो रही है तो इनके नए रॉकेट की भी बात होनी चाहिए। अभी हाल ही में स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक नया रॉकेट इन्होंने बनाया है, पावरफुल रॉकेट। इसके साथ साथ न्यू सेफर्ड रॉकेट ये बनाया है, यहाँ की एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी ने भी एक रॉकेट बनाया है जिसका नाम है न्यू सेफर्ड रॉकेट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको बता दें H3 नामक रॉकेट बना रहा है जापान, इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। इसके साथ साथ चीन ने भी एक रॉकेट बनाया है जिसका नाम है, आप जानते हैं लॉन्ग मार्च नामक जो रॉकेट होते हैं वो चाइना बनाता है, तो लॉन्ग मार्च 5 अभी तक बना था। इसके साथ साथ अंगारा A5 नामक रॉकेट है इसको बनाया है रशिया ने। तो कुछ रॉकेट के भी नाम आपको पता होना चाहिए। भारत कौन से रॉकेट यूज करता है अंतरिक्ष मिशनों के लिए, या तो हम GSLV का करते हैं या तो PSLV का करते हैं। ठीक है, GSLV का हम प्रयोग करते हैं और उसकी बहुत सारी वैरायटी उसमें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने बताया कि H3 नामक रॉकेट बना रहा है जापान और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। तो आपको याद आना चाहिए पिछले दिन हमने बताया था कि एक मिशन है जिसका नाम है ल्यूपेक्स जो मिशन है ये जाक्सा प्लस इसरो का मिशन है, जाक्सा और इसरो मिलकर कर रहे हैं ल्यूपेक्स मिशन, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि इतनी जानकारी है तो निश्चित रूप से सराहनीय है। आगे बढ़ते हैं और जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपको कुछ पूछना होगा, अभी आप कक्षा समाप्त होती है उसके बाद हम चीजों को साथ लेकर चलेंगे, हम वहीं पे बात कर लेंगे कि क्या समस्या है आप लोगों की। ठीक है, चलिए। तो लिंकेज करना बहुत अच्छा है, आप करेंगे लिंक करके आप चीजों को पढ़ेंगे, आपको भी चीजें अच्छी लगेंगी, आपका भी मन लगेगा करंट अफेयर्स में और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जिस तरह से किताबों में दिया होता है, एक एक फैक्ट दिया होता है वनलाइनर, यदि हम उस तरह से रटने बैठ जाएंगे तो उसमें हम सफल नहीं हो सकते। आज याद है, 2 दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन यदि आप खुद से मेहनत करके लिंक करके पढ़ते हो तो आपका जीएस का भी पेपर बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो लिंकेज की आदत आपकी बनी रहती है, हर सब्जेक्ट में आप एक दूसरे को इंटरलिंक करते हो। तो करेंट अफेयर से शुरुआत करो इंटरलिंक का, और उसको अपने जीएस खंड तक लेके जाओ, निश्चित रूप से आप सफल रहोगे, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको इस तरह दे दिया जाए जैसे किताबी भाषा में होता है तो वो आप रटते रह जाओगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आगामी परीक्षाओं में। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है इसकी भी बात कर लेते हैं। फैक्ट है, बेसिकली फैक्ट है, इसकी बात कर लेते हैं। क्या है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है साइरस पूनावाला को। पुरस्कार का क्या नाम है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया है साइरस पूनावाला को। ये नाम महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बता रहा हूं। साइरस पूनावाला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अदार पूनावाला के पिताजी हैं, अदार पूनावाला के पिताजी हैं। और अदार पूनावाला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते होंगे कोविड में आपने एक नाम सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है उसकी शुरुआत किया था साइरस पूनावाला ने। वर्तमान समय में अदार पूनावाला उनके बेटे हैं जिनके द्वारा इस कंपनी को देखा जा रहा है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे आप जानते हैं, लगातार ये चर्चा में रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 4 जो आपका आता है, ये है ग्लोबल कंजर्वेशन। नोट कर लीजिएगा किसकी बात हम कर रहे हैं, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड। ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड, दूसरा इसी में आता है टाइगर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं CA या TS। तो CA या TS ये आपको याद रखना है, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड। क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत के कुछ टाइगर रिजर्व हैं जिनको इस कैटेगरी का दर्जा मिला है, जिनको ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है, इस कैटेगरी में शामिल हुए हैं, इसकी मान्यता मिली है। ठीक है, तो वो भारत के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं जिनको CA और TS का दर्जा मिला है या ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये क्यों दिया जाता है? ये उन टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जहां पर टाइगर बेहतर स्थिति में है, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही हो और उनके आवास से संबंधित वहां पे आपको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही हो। तो मतलब जो भी टाइगर रिजर्व टाइगर के सुरक्षा के लिए बेहतर कर रहे हैं, उनमें लगातार टाइगर की संख्या बढ़ रही है, उनको यह मान्यता दी जाती है। ठीक है, अब ये कितने लोगों को दिया गया, कितने टाइगर को, कितने टाइगर रिजर्व को, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुल दिया गया है भारत में 14 टाइगर रिजर्व को। अब ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं ये आपको रट जाने चाहिए। मैं नाम लिख रहा हूं कौन कौन से हैं। पहला है मानस, मानस टाइगर रिजर्व। दूसरा है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तीसरा है ओरंग टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहां पे मैं स्थान नहीं लिख रहा हूं कि किस राज्य से संबंधित है, ये आपका होमवर्क बनता है कि इन टाइगर रिजर्व के बारे में जाओ और आप बताओ कि किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये जो पहले 3 लिखे हैं ये एक राज्य से हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा राज्य है। यदि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हो, रेगुलर करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, आप बता सकते हो। दूसरा सतपुरा, कान्हा और पन्ना। सतपुरा, कान्हा और पन्ना, ये आपके 6 टाइगर रिजर्व हो गए। इसके बाद आपका आता है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व के बाद आपका आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद आता है दुधवा टाइगर रिजर्व। ये आपके हो गए 9। और ये पहले दोनों जो है एक ही राज्य में है। ठीक है, और ये अलग राज्य में है, वाल्मीकि अलग है, दुधवा अलग राज्य में है। ठीक है, इसके बाद आता है सुंदरबन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व अलग राज्य में है। इसके बाद आता है परम्बिकुलम,
परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये भी अलग स्टेट में आता है। इसके बाद आता है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और बांदीपुर के बाद दो आते हैं, एक ही राज्य में है दोनों, जिनका नाम है मुदुमलाई, मुदुमलाई। और मुदुमलाई के साथ साथ दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो है अन्नामलाई, अन्नामलाई और मुदुमलाई। तो आपको बताना है कि मुदुमलाई, अन्नामलाई कहाँ पे है, सुंदरबन कहाँ पे है, परम्बिकुलम कहाँ पे है, बांदीपुर कहाँ पे है, पेंच, वाल्मीकि, दुधवा किस राज्य में है। ये राज्य सारे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको आपको स्वयं नोट करना है किस राज्य में है, ठीक है। तो ये आपके 14 टाइगर रिजर्व हैं जिनको ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 14 के 14 टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम आपसे पूछ लें, क्योंकि टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, कि भारत में वर्तमान समय में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के 52 टाइगर रिजर्व हैं। 52 है तो 91 कौन सा था, 91वां जो टाइगर रिजर्व था ये कौन सा था, ये आपका था मेघमलई। नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन याद हो जाता है, मेघमलई श्री बिलीपुत्तूर, बिलुपुत्तूर, मेघमलई श्री बिलुपुत्तूर, ये आपको याद आना चाहिए। और 52वां जो टाइगर रिजर्व बना है ये आप बताएंगे कि कहां पर है, इसका नाम है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और इसको आपको बताना है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो हमारा 52वां टाइगर रिजर्व है ये कहां पर आपको देखने को मिलता है, चलिए बताइएगा कहां पर देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। अब अभी हमने इनमें कैटेगरी देखा सतपुरा, सतपुरा से आपको कुछ चीजें याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए, कि सतपुरा से संबंधित एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अभी एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं, नेट बेस्ट ग्रुप, नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। ये जो आपका टाइगर रिजर्व था सतपुरा, सतपुरा को अभी हाल ही में नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, सतपुरा टाइगर रिजर्व को किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें सतपुरा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, तो है ये एमपी में, एमपी में कहाँ पे है, तो ये है होशंगाबाद में। कहाँ पे पड़ता है, होशंगाबाद में पड़ता है, मध्य प्रदेश के, यह आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि सतपुरा जो टाइगर रिजर्व है ये यूनेस्को की जो संभावित सूची है, उसमें सतपुरा को जगह मिली, सतपुरा टाइगर रिजर्व को नहीं, सतपुरा को उसमें जगह मिली है। और संभावित सूची जो है यूनेस्को की, उसमें सतपुरा के साथ साथ भेड़ा घाट और लमेरा घाट, भेड़ा घाट और लमेरा घाट को भी मध्य प्रदेश से संभावित सूची में जगह मिली है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि भेड़ा घाट, लमेरा घाट और सतपुरा को यूनेस्को की जो संभावित सूची है उसमें जगह मिली। अब मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि हम एमपी की बात कर रहे हैं, तो एमपी से संबंधित कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। जैसे 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, ये लगाया गया है ओमकारेश्वर में। कहाँ पे लगाया गया है, ओमकारेश्वर में लगाया गया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए दो इंडेक्स आते हैं, एक इंडेक्स है लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स, इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है, दूसरा है एनीमिया मुक्त सूचकांक, उस पर मध्य प्रदेश टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक जानकारी और दे रहा हूं, इसके बारे में भी कभी रिवीजन नहीं किया है, जिस दिन फैक्ट आया था उस दिन मैंने आपको बताया था, नेटरैक्स, कोई बताएगा ये क्या है, नेटरैक्स क्या है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, मैंने बताया है इसको, ये है क्या, कौन बताएगा नेटरैक्स है क्या, नेटरैक्स है क्या, कौन बताएगा इसको, आपको बता दें ये इंदौर में बना है, इंदौर में बना है, ये है क्या नेटरैक्स, मैंने पूर्व में आपको बताया है किसी को जानकारी,
नेटफ्लिक्स के बारे में किसी को जानकारी है? नई जानकारी है? चलिए मैं बता देता हूं, नेटफ्लिक्स है एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, ठीक है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है नेटफ्लिक्स। और आपको बता दें ये विश्व का, यदि हम बात करें तो ये विश्व का पांचवा है, इससे पहले चार अन्य देशों में इस तरह के ट्रैक हैं और भारत पांचवा देश है जहां पर इस प्रकार का हाई स्पीड ट्रैक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कुल लंबाई है 11.3 किलोमीटर। क्यों बनाया गया है? जो गाड़ियों की हम टेस्टिंग करते हैं, गाड़ियों की स्पीड की टेस्टिंग करते हैं, माइलेज की टेस्टिंग करते हैं, तो उनके लिए ये बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेटरैक्स हाई स्पीड ट्रैक है, एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक है, 11.3 किलोमीटर लंबाई है, भारत पांचवा देश है विश्व का जिसने इस प्रकार के ट्रैक्स बनाए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक योजना है देवारण्य योजना, मध्य प्रदेश से संबंधित है देवारण्य योजना, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जो देवारण्य योजना है, आपको बता दें कि आयुष आधारित तो उन्नयन योजना है। किसकी उन्नयन की करना है इसमें? इसमें जो जनजातियां हैं उनका उन्नयन करने की बात की गई है, तो आयुष आधारित उन्नयन योजना है देवारण्य योजना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 5। ठीक है, अब इसमें आपको एक नाम याद रखना है, संजीव सहोरा, संजीव सहोरा, ये नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जो बुकर पुरस्कार होता है, बुकर पुरस्कार बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है, लेखकों को दिया जाता है बुकर पुरस्कार। जो ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है उसमें वर्ष 2021 के लिए 13 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, और उन 13 लोगों में भारतवंशी संजीव सहोरा भी शामिल हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। संजीव सहोरा एक भारतवंशी है, भारत के नहीं है लेकिन भारतीय मूल के हैं, और इनको भी जगह मिली है, ये आपको पता होना चाहिए। और बुकर पुरस्कार दो प्रकार का होता है, एक होता है बुकर, एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहली बात, जो बुकर पुरस्कार होता है ये केवल अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, और जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है ये गैर अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, गैर अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। क्या यह मिल चुका है इस वर्ष का, वर्ष 2021 के लिए? तो आपको बता दें कि मैन बुकर इंटरनेशनल जो है, या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, वो मिल चुका है 2021 के लिए। किसको मिला है? डेविड डीओप को, डेविड डीओप को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। डेविड डीओप जो है इनको बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 मिला है, और 2021 जो पुरस्कार मिला है इनको, इनकी कृति थी उसके लिए मिला है। इनकी कृति का क्या नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, लेखनी इनका एट नाइट, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इनकी कृति का क्या नाम है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये इनकी लेखनी है डेविड डीओप की, जिसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बुकर पुरस्कार अभी नहीं दिया गया है, जल्द ही इसकी भी घोषणा हो जाएगी, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। अब आपको बता दें कि जो डेविड डीओप हैं, ये हैं फ्रांस के व्यक्ति। कहाँ के व्यक्ति हैं? फ्रांस के व्यक्ति हैं, और फ्रांस के व्यक्ति हैं तो आप जानते हैं फ्रांस में एक प्रतिष्ठित फिल्म समारोह होता है जिसको बोलते हैं कान फिल्म फेस्टिवल, या कहीं कहीं कान से लिखा होता है, कांस फिल्म फेस्टिवल। और कांस फिल्म फेस्टिवल आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कांस फिल्म फेस्टिवल में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है ए नाइट ऑफ, नाम नोट कर लीजिएगा, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ये नाइट ऑफ नोइंग नथिंग एक डॉक्यूमेंट्री थी
जिसको कान फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। ये नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ये डॉक्यूमेंट्री है जिसको कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। और इसकी जो निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नाम है पायल कंपाड़िया। पायल कंपाड़िया, ठीक है, भारत ने ये बनाई थी, भारत के फिल्मकारों ने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था और कान फिल्म पुरस्कारों में इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है। नाम याद आना चाहिए, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। और दूसरा, डेविड डिओप की पुस्तक का नाम याद आना चाहिए, ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको बता दें कि मैंने आपको बता दिया कि संजीव सरोहा को जो बुकर पुरस्कार दिया जाने वाला है 13 लोगों में सूचीबद्ध किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो संजीव सरोहा जो है, इनकी पुस्तक का नाम है चाइना रूम। क्या नाम है? चाइना रूम इनकी पुस्तक का नाम है। तो इनको ये भी याद रखिएगा कि चाइना रूम पुस्तक के लिए संजीव सहोरा को बुकर पुरस्कार की जो 13 लोगों की सूची बनी है संभावित, उसमें जगह मिली है। अब चाइना रूम की बात आ रही है तो एक पुस्तक और भी है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक पुस्तक और लिखी गई थी, तियानमेन स्क्वायर। ये आप बताओगे कि किसने लिखी है, नहीं बता पाते हो तो इसको कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा क्योंकि पूर्व में मैंने बताया है। चाइना की बात कर रहे हैं तो तियानमेन स्क्वायर लगातार चर्चा में रहता है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक यहाँ की लेखिका है चाइना की, जिनका नाम है सायरा गुल साटवे। और सायरा गुल जो साटवे है, इनकी एक लेखनी है जिसकी पुस्तक का नाम है द चीफ विटनेस। और द चीफ विटनेस के लिए सायरा गुल साटवे को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जर्मनी का, जिसका नाम है नूरमबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सायरा गुल साटवे का नाम याद रखना है कि इनको नूरमबर्ग पुरस्कार दिया गया है जर्मनी द्वारा। चीन की लेखिका है, इन्होंने पुस्तक लिखा था द चीफ बिटनेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, चीन ने अभी एक कोविड की दवा बनाई है जिसका नाम है साइनोफार्म। तो आपसे यदि पूछा जाए साइनोफार्म नामक दवा किस देश ने कोविड के लिए बनाया है, तो इसको बनाया है चीन ने। और चीन की हम बात कर रहे हैं और इस समय चल रहे हैं ओलंपिक, और ओलंपिक की बात ना करें तो कैसे काम चलेगा हमारा। आपको पता है कि हमारी पीवी सिंधु है, देश का नाम रोशन किया है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किसमें जीता है? बैडमिंटन खेल में जीता है, ठीक है, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। हम सब ने पढ़ लिया और सबने पढ़ लिया होगा, सबको याद भी हो गया होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को याद होगा कि पीवी सिंधु जो है किससे हारी थी, मतलब पीवी सिंधु को हराया किसने था, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आपको बता दें, इनका नाम है ताई जू इंग। ये नाम आपको याद होना चाहिए, ताई सू इंग इनका नाम है। और ये ताइवान की खिलाड़ी है, जिनको आप बोलते हैं चीनी ताइपे, ताइवान की खिलाड़ी हैं। इन्होंने ही पीवी सिंधु को हराया था और ताई सू इंग जो है इनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। अब अगर इन्होंने सिल्वर जीत लिया, पीवी सिंधु ने कांस्य जीत लिया, तो गोल्ड किसने जीता, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोल्ड किसने जीता, इनका नाम है चेन यू फेई है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। चेन यू फेई किस देश की खिलाड़ी है? ये खिलाड़ी है चीन की, ठीक है। तो गोल्ड मेडल जीता चेन यू फेई, चीन की खिलाड़ी ने, सिल्वर मेडल जीता ताई सू इंग ने, ताइवान की खिलाड़ी है, और ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक जीता पीवी सिंधु ने, जो भारत की खिलाड़ी है। तो तीनों बैडमिंटन खिलाड़ियों का नाम आपको पता होना चाहिए। आपसे परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि चेन यू फेई किस देश की खिलाड़ी है या कौन सा खेल खेलती है,
ताई सू इंग कौन सा खेल खेलती हैं, किस देश की खिलाड़ी हैं, या पीवी सिंधु कौन सा देश किस देश की खिलाड़ी हैं और कौन सा खेल खेलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बैडमिंटन की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति है, इनका नाम याद आना चाहिए, नंदू नाडेकर। इनका नाम आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। नंदू नाडेकर की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये भारत के महानतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में थे और सबसे पहला जो अर्जुन अवार्ड मिला है बैडमिंटन के लिए वो इन्हीं को मिला था, नंदू नाडेकर को। कब मिला था ये, लगभग आप मान के चलिए 60 के या 70 के दशक में मिला था, वो याद नहीं है मुझे, वो कन्फर्म नहीं है, तो वो तिथि नहीं बताना है, सिर्फ आपको याद रखना है नंदू नाडेकर, इनकी मृत्यु हुई है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी से थे। हॉकी सॉरी बैडमिंटन का पहला जो अर्जुन अवार्ड मिला है किसी को तो इन्हीं को मिला था। दूसरा, भारत के लिए बैडमिंटन में यदि किसी ने सबसे पहले पदक जीता था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो वो खिलाड़ी थे नंदू नाडेकर, और इन्होंने 1956 में पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था बैडमिंटन में, इसलिए ये महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ एक खिलाड़ी है हमारे, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, नाम है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत का नाम याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक में ये खेलते हुए भी देखे जाएंगे, और इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था भारत का, प्रमोद भगत बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो खिलाड़ियों से संबंधित ज्यादातर क्या पूछा जाता है, खिलाड़ियों के नाम देखे उनके खेल के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो आपको इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है IGBC से संबंधित। IGBC क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। IGBC का फुल फॉर्म है इंडियन ग्रीन बिजनेस काउंसिल। क्या है, इंडियन ग्रीन बिजनेस काउंसिल। और इसके द्वारा जो भारत के मौजूदा शहर हैं, उनके लिए IGBC ग्रीन रेटिंग दी गई है, ठीक है। इस संस्था द्वारा मौजूदा शहरों को ग्रीन रेटिंग दी गई है और इस कैटेगरी में IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला ग्रीन सेज है वो है कांडला, ठीक है। तो आपको याद रखना है IGBC मतलब इंडियन ग्रीन बिजनेस काउंसिल द्वारा जो IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग दी गई है वो दिया गया है ग्रीन सेज कांडला को। तो ग्रीन सेज कौन सा बना है भारत का पहला, कांडला बना है। सेज मतलब क्या हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पहला जो हरित स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो चुना गया है वो है आपका कांडला, मतलब कांडला जो आपका ये सेज है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हरियाली से भी संबंधित पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया है, जिसके लिए इसको IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब कांडला है कहाँ पे, कांडला है गुजरात में, कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। और कांडला एक बंदरगाह भी है, और इस बंदरगाह का हाल ही में नाम बदल कर दिया गया था दीनदयाल पोर्ट या दीनदयाल बंदरगाह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कांडला का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। और अभी आपने पढ़ा था कि धौलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो धौलावीरा कहाँ पे है, धौलावीरा भी गुजरात में है, ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात में इटली शहर आपका है, इटली पहला मेगा फूड पार्क बना रही है गुजरात में, कहां पे, मेहसाना जिले में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इटली ने गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क कहां पे बनाया है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में बनाया है। और आपको बता दें भारत की सबसे बड़ी सोलर प्लांट यदि कहीं पे लगने वाली है तो वो है गुजरात, और इसकी क्षमता है 7,750 मेगावाट, 4,750 मेगावाट का सौर प्लांट लगने वाला है गुजरात में, और ये भारत का सबसे बड़ा सौर प्लांट होगा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 7, इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें आपको देखना है एक आम के बारे में, उसका नाम है फौजिल आम। कौन सा आम है, फौजिल आम। अब इस आम के बारे में दो चीजें हमें जाननी,
सबसे पहली बात, ये चर्चा में क्यों है, पहले क्यों चर्चा में नहीं था, आपको बता दें कि इसको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग प्राप्त आम है भारत का, फौजिल आम। कहां से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको बहरीन को निर्यात किया जा रहा है। पहली बार फौजिल आम को बहरीन को निर्यात किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। अब अगर बहरीन को निर्यात किया जा रहा है तो निर्यात किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया है एक संस्था है एपिडा, APDEDA। ये जो संस्था है एपिडा, यही भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए जिम्मेदार संस्था है और लगातार इसके द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। तो क्या भारत में एक ही प्रकार का आम मिलता है, फौजिल आम? नहीं, इसके अतिरिक्त बहुत सारे आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो आपको याद रखना है खिरसा पत्ती नामक आम आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। लखन भोग नामक आम आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, ये आपको पता होना चाहिए। एक आम होता है मलिहाबादी आम आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आपको आम्रपाली आम, चौसा आम और एक विशेष प्रकार का आम है जिसको बोलते हैं लंगड़ा आम, ये भी पश्चिम बंगाल के नादिया से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, आपको बताना है कि आम की वह कौन सी प्रजाति है जिसको बिहार में जीआई टैग मिला है। ये आप बताओगे कि आम की कौन सी प्रजाति है जिसको बिहार में जीआई टैग दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब यहाँ पे आपने आम की सारी प्रजातियों के बारे में देख लिया, हमने देखा कि इसकी जो ओरिजिन है फौजिल आम की, ये पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। पश्चिम बंगाल से संबंधित क्या फैक्ट हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले बता दें कि पूर्व के दिनों में मुख्यमंत्री ने शुरू किया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। क्यों शुरू की गई थी? इसका उद्देश्य था कि जो भी बच्चे पश्चिम बंगाल के हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक समस्या होने के कारण उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तो उनको 10 लाख का लोन दिया जाता था। 10 लाख का एक प्रकार से लोन ही कह सकते हैं, लोन दिया जाता था उच्च शिक्षा के लिए। इस पैसे से चाहे आप देश के अंदर पढ़ाई करिए चाहे देश के बाहर पढ़ाई करिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने शुरू किया था माँ योजना। क्या है? गरीबों को 5 रुपए में भोजन मिलता था, ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। इसके अतिरिक्त एक एक्सप्रेस शुरू की गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, और मिताली एक्सप्रेस जो शुरू हुई है ये जोड़ती है जलपाईगुड़ी को जोड़ती है ढाका से, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिताली एक्सप्रेस जो हाल ही में चलाई गई है ये सिलीगुड़ी, आप कह सकते हो कि सिलीगुड़ी को जोड़ती है ढाका से या जलपाईगुड़ी को जोड़ती है ढाका से। इसके साथ साथ एक अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था हॉलीडे आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने गलत किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शब्द जुड़ा था आइसलैंड, ठीक है। तो आपको बता दें हॉलीडे आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप गलती कराओ, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप टिक कराओ तो निश्चित रूप से दिक्कत आपको होगी। और अभी हमने आम की एक प्रजाति देखा था मलिहाबादी हमने देखा और हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश की प्रजाति है। तो यूपी के बारे में कुछ इस समय फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक टैक्सी शुरू हो रही है भारत में पहली बार जिसका नाम है पोर्ड टैक्सी। और ये जो पोर्ड टैक्सी है भारत में सबसे पहली बार शुरू हो रही है किस स्थान पे? ये जोड़ेगी नोएडा फिल्म सिटी को, जोड़ेगी जेवर एयरपोर्ट से, ठीक है, नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के लिए पोर्ड टैक्सी शुरू हो रही है भारत में पहली बार। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। हरियाणा से संबंधित 2 फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि जो भी राज्य के अंतर्गत हरियाणा राज्य में जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको संस्कृत में कोई पुरस्कार मिला होगा, शोध के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए यदि कोई पुरस्कार आपको मिला होगा संस्कृत के लिए, तो आप राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। किसने घोषणा किया इसको?
हरियाणा ने किया है। क्यों किया है? संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग संस्कृत में जुड़े, ज्यादा से लोग संस्कृत में रिसर्च करें। ठीक है, तो संस्कृत में यदि किसी ने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, तो आपको फ्री यात्रा मिलेगी। कहां पर? हरियाणा रोडवेज के अंतर्गत, यह आपको पता होना चाहिए। और भारत का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है, भारत का पहला अनाज एटीएम शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है? गुरुग्राम है हरियाणा में, जहां पे शुरू किया गया है पहला अनाज एटीएम। अब आपको बताना है कि गुरुग्राम में कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है, गुरुग्राम में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और हरियाणा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको बता दें कि योजना शुरू किया है, जिसका नाम है प्राण वायु देवता। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 2500 रुपए वर्ष भर में दिए जाएंगे। अब ये है क्या प्राण वायु देवता पेंशन योजना? ये उस लिए दिया जाता है कि यदि मान लीजिए कोई पुराना, वृक्ष है जो आपके 50-60 साल से ऊपर का है, और निश्चित रूप से उससे छाया भी मिल रही है, उससे ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो उसके देखभाल के लिए, शुरू किया गया है प्राण वायु देवता पेंशन। मतलब उस वृक्ष के देखभाल करने वाले को 2500 रुपए वर्ष भर में दिए जाएंगे। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। यदि हम कहें अन्य राज्यों द्वारा, जहां पे लगातार वृक्षों का कटान हो रहा है, लगातार वनावरण हो रहा है, वनावरण घट रहा है, तो वहां के लिए जरूरी है कि कुछ इस तरह से योजनाओं को लाया जाए, जिससे जो किसान हैं हमारे, वो भी वृक्षारोपण की तरफ बढ़े, वृक्ष लगाएं। और इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि जो हमारा वनावरण है, जो हमारा वृक्षावरण है, वो बढ़ेगा। और हमारा जो ऑक्सीजन, जैसे आपने देखा कि त्राहि त्राहि मची हुई थी ऑक्सीजन के लिए कोविड काल में, वो समस्या आने वाले समयों में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट हम देख लेते हैं। सारे पेज फुल हो गए, तो यहां से कुछ पेज हम डिलीट कर देते हैं, जिससे हम नया कर सकें। चले इसमें देख लेते हैं। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, वियतनाम एक देश है, और वियतनाम के अभी हाल ही में नए राष्ट्र जो है बने हैं प्रधानमंत्री। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, फॉर्म मिन चीन है। नाम इनका थोड़ा सा टिपिकल होता है, फॉर्म मिन चीन है। ये कौन है? ये वियतनाम के नए प्रधानमंत्री हैं। आपको पता होना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इनका आभार व्यक्त किया, ये आपको पता होना चाहिए। वियतनाम की यदि हम बात करें तो इनकी राजधानी है हनोई, ये आपको पता होना चाहिए कि हनोई इनकी राजधानी है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और आपको बता दें, जो हमारा इसरो है, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो ने अभी हाल ही में वियतनाम में एक ग्राउंड स्टेशन बनाया है। ठीक है, वियतनाम में एक ग्राउंड स्टेशन बनाया है, किसने? इसरो ने। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसरो ने किस देश में, किस एशियाई देश में ग्राउंड स्टेशन बनाया है, तो आपको बताना है कि वियतनाम में बनाया है। और ये जो ग्राउंड स्टेशन बनाया गया है, विशेषकर दक्षिण एशियाई देशों के लिए बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे हम वियतनाम की बात कर रहे हैं, तो इसी रीजन में आपको एक देश देखने को मिलता है, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर देखने को मिलता है। सिंगापुर इन दिनों न्यूज में है, क्यों? क्योंकि यदि आपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुना होगा, मन की बात कार्यक्रम को आपने सुना होगा, तो उन्होंने एक फैक्ट यहां से उठाया था, सिंगापुर की उन्होंने चर्चा किया था मन की बात कार्यक्रम में, और उन्होंने बताया था सिलाट रोड गुरुद्वारा के बारे में। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने सिलाट रोड गुरुद्वारा की चर्चा किया था। सिलाट रोड गुरुद्वारा की चर्चा भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था। तो सिलाट रोड गुरुद्वारा जो है, ये हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात कि जो सिलाट रोड गुरुद्वारा है, ये आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर में, है। और ये जो बनवाया गया था, भाई महाराज सिंह के याद में। किसके द्वारा? भाई महाराज सिंह। अब भाई महाराज सिंह कौन है?
या कौन थे? तो भाई महाराज सिंह जो हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सिख थे, और ये पहले सिख थे जिनको अंग्रेजों ने भारत से निर्वासित कर सिंगापुर भेजा था। पहले सिख थे जिनको भारत से निर्वासित कर सिंगापुर भेजा गया था, भाई महाराज सिंह। और सिलाट रोड जो गुरुद्वारा है ये इन्हीं से जुड़ा है। 1856 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और वर्तमान समय में क्या समस्या थी कि जो सिलाट रोड गुरुद्वारा है यहाँ पे इसकी जो जीर्णोद्धार कराने की स्थिति थी, क्योंकि इसकी स्थिति बदहाल हो चुकी थी। तो अभी हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कराया गया है, और जब इसका जीर्णोद्धार कराया गया तो सबसे पहले यहाँ पे विजिट किसने किया था? सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री एक गुरुद्वारे में जाते हैं और गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार से संबंधित कार्यक्रम का शिलान्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो दो देशों के बीच संबंधों में वो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सिंगापुर में यदि हम देखें तो सिख धर्म के अनुयायी बहुतायत संख्या में नहीं है, और उसी की चर्चा भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यक्रम में किया, सिंगापुर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। तो इसलिए ये चीजें महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है। अब एक चीज आप देखते होंगे, यदि आप गुरुद्वारा कभी गए होंगे तो गुरुद्वारे में आपको अक्सर देखने को मिलता है चार गेट देखने को मिलते हैं। गुरुद्वारे में अक्सर आपको चार गेट देखने को मिलते हैं। इस चार गेट का कॉन्सेप्ट क्या है? इस चार गेट का कॉन्सेप्ट यह है कि गुरुद्वारे में सभी धर्मों को लोग आ सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मतलब सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। इसके लिए अधिकतर गुरुद्वारे में आपको चार गेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि सभी धर्म, एक एक जो गेट है, एक एक गेट से सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ फैक्ट और हैं जो आपको बता देता हूँ, उसके बाद आज की जो चर्चा है वो हमारी समाप्त होगी। सबसे पहले आपको बता दें, एक लड़का है जिसका नाम है सहरोज काशिफ। सहरोज काशिफ को क्यों याद रखना है? क्योंकि इसने केटू की चढ़ाई की है हाल ही में, केटू की चढ़ाई की है। और सहरोज काशिफ ये पाकिस्तान का बच्चा है। ठीक है, पाकिस्तान का बच्चा है, केटू का चढ़ाई करने वाला पहला पाकिस्तानी है, इसलिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक नाम याद आना चाहिए, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते क्यों याद आना चाहिए? माउंट अन्नापूर्णा है, माउंट अन्नापूर्णा की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते। ये भी आपको पता होना चाहिए, माउंट अन्नापूर्णा की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने देखा, आपने सुना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग हो चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अलग हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक बैंक भी था जिसका नाम था J&K बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, तो उसमें हिस्सेदारी को लेकर भी विवाद चल रहा था। तो आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर जो बैंक था उसमें 8.23% की हिस्सेदारी लद्दाख को मिली है, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिशन यूथ। मिशन यूथ कार्यक्रम क्या है कि कम से कम 50,000 बच्चों को रोजगार देना है जम्मू कश्मीर के, इसके लिए मिशन यूथ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें रोजगार देने के साथ साथ उनका कौशल विकास भी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्लीज एमपी वाले रुके रहिएगा, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है कि अभी हाल ही में पेटीएम कंपनी है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट ने घोषणा किया कि उसने 1 करोड़ फास्ट टैग जारी कर दिए हैं, और 1 करोड़ फास्ट टैग जारी करने वाला भारत का पहला संस्थान है पेटीएम पेमेंट बैंक। इन्होंने कहा कि जो कुल फास्ट टैग भारत में जारी हुए हैं उसका 28% भाग सिर्फ और सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक ने जारी किया है। अब बात हो रही है फास्ट टैग की, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि फास्ट टैग किस टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है? तो फास्ट टैग जो है RFID टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। RFID टेक्नोलॉजी पर फास्ट टैग कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। किस पे कार्य करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आपका ये कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम आपसे पूछ लें कि चलिए मान लिया कि फास्ट टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर कार्य करता है, तो जो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो हम यूज करते हैं वो किस टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है? जो आप मशीन के पास ले जाते हैं और तुरंत बिना पिन डाले आपका स्वैप हो जाता है,
वो किस टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है, तो उसका नाम है NFC। NFC का मतलब क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो दोनों याद रखिएगा, फास्ट टैग किस पे कार्य करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर। और जो हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये किस पे कार्य करता है? NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज से, आज की जो कक्षा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। ज्यादातर जितना फैक्ट था एक सप्ताह का, 10 दिन का, उतना हमने किया। और ये कक्षा अब निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। उत्तराखंड से संबंधित छात्रों को रिकॉर्डेड रूप में मिलेगी, मध्य प्रदेश से संबंधित छात्रों के लिए लाइव सेशन रखा जाएगा। और यदि आप उत्तराखंड वाले भी सहमत होंगे तो आपके लिए भी इसी प्रकार से एक ही कक्षा में दोनों लोगों को लाइव हम रखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश वाले रुके रहेंगे, कुछ बातचीत करनी है। चलिए, उत्तराखंड वालों को नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को। तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें और लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।